हे गाइस, वन सेकंड, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो में अगेन एक अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, और वैसे प्रोडक्ट की जो बहुत ही फेमस है और पहले से काफ़ी सारे अनबॉक्सिंग आपने देख लिया है। बट डिफरेंस ये है कि जब ये लॉन्च हुआ था तब आपको लेने पे क्या प्राइस पड़ रहा था, तब इसका प्रोडक्ट का क्या रिव्यू था और आज के टाइम पर क्या है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स अनबॉक्स दिस बॉक्स। सो बेसिकली टुडे आई हैव एयरपोर्ट्स थर्ड जनरेशन। तो प्रोडक्ट का जो स्पेसिफिकेशन है वो तो ऑलरेडी आपको पता है, स्टिल आई विल मेंशन इट और बिना किसी देरी के इसको अनबॉक्स करते हैं। लेट्स ज़ूम इट। खोलने का जो तरीका है तो वो बहुत ही प्यारा होता है, दोनों साइड से आप इसको बेसिकली ओपन कर सकते हैं और ये बहुत लिटरली प्यारा लगता है। वाह, जस्ट इतना ही करना था, हो गया। साइड में रखते हैं, डस्ट नहीं फैलाएंगे, और बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स को ओपन करने के साथ आपको क्या मिलता है, ऑब्वियसली वही मिलेगा जो आप चाहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पहला चीज, दूसरा आपको एयरपोर्ट्स, और तीसरा चीज़ आपको इसका चार्जर मिलेगा। वो कहाँ है भाई, लेकिन मुझे दिया नहीं क्या? अच्छा दिया है ना। सो बेसिकली तीसरा ये लाइटनिंग केबल, जो टाइप सी टू लाइटनिंग केबल है। तो ये तीन मेजर चीज़ है इसमें और कुछ भी नहीं है। तो तीनों को फिलहाल अभी साइड में रखते हैं और इसको अनबॉक्स करते हैं। शिट, बच गया। ये भी इसका खुलने का तरीका बहुत प्यारा लगता है। ये तो खुल गया, इसको साइड में रख दिया। सी, लिटरली बहुत प्यारा है। तो एयर थर्ड जनरेशन में कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो बेसिकली पहले भी थी, अभी भी थी। बट क्या इसका हेडफोन चिप चेंज हुआ है? नहीं, अभी भी इसमें H1 हेडफोन चिप यूज़ होता है। इसका MRP अराउंड 24,000 का है, बट आप अगर फ्लिपकार्ट में, अमेज़न पर देखेंगे तो 17,900 रुपये का आपको मिल जाता है, यानी कि ऑलमोस्ट 18,000 रुपये। और यदि कोई डिस्काउंटेड प्राइस में आपको देता है फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ॉन या किसी अदर वेबसाइट्स में, तो आप ले सकते हैं। 1,000, 2,000, 3,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, बेस्ड अपॉन योर क्रेडिट कार्ड और समथिंग एल्स। तो मुझे, मैंने इस प्रोडक्ट को बेसिकली 2 घंटे पहले अमेज़ॉन से ऑर्डर किया, HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड की वजह से मुझे 2,000 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला। तो मैंने 16,000 रुपये में लमसम इसको परचेज़ किया, विच इज़ अ क्वाइट गुड और मच नीडेड था भाई। काफ़ी टाइम से मैं बेसिकली अपने आईफोन के साथ यूज़ तो कर रहा था, आईफोन 12 के साथ, बट दिक्कत ये था कि वायरलेस हेडफोन बोट वाला यूज़ कर रहा था, जिससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। तो बिना किसी देरी के सेटअप को कंप्लीट करते हैं, बहुत ही सिंपल सेटअप होने वाला है। इसके अलावा ये एक मैगसेफ चार्जिंग, यानी कि वायरलेस चार्जिंग भी, मैगसेफ चार्जिंग भी है, और आप वायर चार्जिंग भी कर सकते हो। तो इसका जो प्लस पॉइंट है, जो टू सेकेंड जनरेशन में नहीं था और थर्ड जनरेशन में, वो है स्पेटियल ऑडियो, यानी कि अगर मैं सुन रहा हूँ ऑडियो को तो मुझे दोनों साइड प्लस हेड के ऊपर तीनों साइड से बेसिकली, मतलब एक सराउंड, आपको ऐसा नहीं फील होगा कि कान में सुन रहा, आपको ऐसा फील होगा कि सराउंडिंग आपको प्रॉपरली आवाज़ सुनाई दे रहा है। आईफोन को खोला और इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, इसको खोला, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। वाओ, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया। तो करना क्या, कनेक्ट, जूम है, देखो मीडिया कंट्रोल, अनाउंस कॉल एंड नोटिफिकेशन। तो मैं अभी कस्टमाइज नहीं कर रहा, नॉर्मली मैं अनाउंस सब कुछ कर रहा हूं। अच्छा, इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि आपको ये भी चार्जिंग आपको दिखता है, 87% चार्ज है, और इसका जो चार्जिंग केस है ये भी आपको दिख रहा है कितना चार्ज है, 67% है। अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, कंटिन्यू। अभी आपको कह रहा है कि एयरपोर्ट्स विथ म्यूजिक गेट 6 मंथ्स फ्री एंड एक्सप्लोर 75 मिलियन सॉन्ग्स। तो या तो मैं 6 महीने का एप्पल म्यूजिक फ्री में ले सकता हूँ, या तो मैं इसको स्किप कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं नॉट नाउ पर क्लिक करता हूँ। तो बेसिकली ये हेडफोन जो वो कनेक्ट हो चुका है। आप देखने के लिए आपको प्लस साइन में जाकर देखना है कि कितना चार्ज है और ये कितना चार्ज है, बस। तो आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट सब कुछ दिख जा रहा है। तो इसका जो इकोसिस्टम है एप्पल को ऑलरेडी आपको पता है काफ़ी अच्छा। तो अब जरा गाने वाने सुना जाए, देखते हैं क्या अच्छा है क्या नहीं है। ऑलरेडी एयरफोन कनेक्टेड्स का ऑप्शन जो है वो दिख गया। एज ऑफ नाउ मेरे बाहर में जो सराउंडिंग में जो साउंड चल रहा है वो कोई भी साउंड मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, क्योंकि इसका जो साउंड है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका साउंड ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है, बट स्टिल बाहर मुझे कोई साउंड इसका नहीं आ रहा है, मतलब कि सराउंडिंग का साउंड नहीं आ रहा है। इसके अलावा इसमें डबल, सिंगल टैप, डबल टैप, ट्रिपल टैप और लॉन्ग प्रेस का ऑप्शन है। सिंगल टैप में कुछ होता है, डबल टैप में कुछ होता है, ट्रिपल टैप में कुछ होता है। सो बेसिकली सिंगल टैप से आप इसको प्ले और पॉज कर सकते हो, डबल टैप से स्किप फॉरवर्ड कर सकते हो, ट्रिपल टैप से आप स्किप बैक कर सकते हो, और होल्ड से आप सीरी को
और वेक कर सकते हो। सो दीज आर द ऑप्शन। कॉल पिकअप करने का भी सिंगल टैप ऑप्शन है, तो ये सारा चीज़ आपको इसमें देखने को मिल जाता है। अच्छा बात ये है कि अगर मैंने इसको आईफोन से एक बार कनेक्ट कर लिया तो ऑटोमेटिकली ये मैकबुक से भी कनेक्ट हो जाएगा, तो मुझे इतना टेंशन नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एयरपोर्ट एंड आई होप कि यू नो एवरीथिंग ऑल अबाउट दिस प्रोडक्ट। मेन प्राइसिंग कंसर्न होता है किसी का तो मैंने आपको बता दिया कि डिस्काउंटेड प्राइस पर लेना चाहते ले सकते हो। फिलहाल मुझे ये 16,000 के लमसम का पड़ा है, मे बी आपको इससे कम पड़े। और अभी के टाइम पे अगर ये वीडियो को पसंद आया है, आपको ज़रा सा भी कुछ लगा कि बेनिफिशियल चीज़ें हैं, और हाँ कंपैरिजन वीडियो आपको अगले वाले वीडियो में देखने को मिलेगा। सो एज ऑफ नाउ गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अलविदा।